फ्रांस के पब्लिक स्कूलों ने दर्जनों मुस्लिम लड़कियों को अबाया हटाने से इनकार करने पर घर वापस भेज दिया। अबाया मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की ओर से पहना जाने वाला एक लंबा और ढीला ढाला वस्त्र होता है। स्कूली साल के पहले दिन यह सब कुछ हुआ है, जिसकी पुष्टि शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल ने की है। अटल ने मंगलवार को बताया कि धार्मिक प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले परिधान पर प्रतिबंध को खारिज करते हुए लगभग 300 लड़कियों ने सोमवार को अबाया पहना। वो इसे पहनकर स्कूल आईं। ज़्यादातर लड़कियां इसे उतारने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन 67 लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें घर लौटा दिया गया। सरकार ने पिछले महीने इसे धर्मनिरपेक्षता के नियमों के खिलाफ बताते हुए अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसमें कहा गया था कि यह एक धर्म का प्रदर्शन है। लड़कियों को वापस लौटाने के कदम से दक्षिणपंथी ग्रुपों में खुशी देखी गई। वहीं कट्टर वामपंथियों ने तर्क दिया कि यह स्वतंत्रता का अपमान है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अटल ने इस तरह के कपड़े को एक धार्मिक प्रतीक माना, जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। 2004 से फ्रांस में स्कूलों में हेड स्कार्फ, किप्पा, क्रॉस समेत सभी धार्मिक संकेतों को पहनना या लगाना प्रतिबंधित है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल का कहना है कि किसी को भी कक्षा में ऐसा कुछ पहनकर नहीं आना चाहिए जिससे पता चले कि उनका धर्म क्या है। अटल ने मंगलवार को कहा, जिन लड़कियों ने सोमवार को प्रवेश से इनकार कर दिया था, उनके परिवारों को एक पत्र भी लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया था कि धर्मनिरपेक्षता कोई बाधा नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता है। मंत्री ने आगे कहा कि अगर वे फिर से गाउन पहनकर स्कूलों में आईं, तो ये एक बेहद नई बात होगी। सोमवार की शाम को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस फैसले का बचाव किया था। उन्होंने कहा, फ्रांस में एक अल्पसंख्यक है जो एक धर्म का अपहरण करता है और गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि इसके सबसे बुरे परिणाम होते हैं, जैसे 3 साल पहले शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।